नमस्ते नमस्ते। अच्छा आइए, आपका भी स्वागत है, आइए। हाय। बुरे फंसे ना? हाँ तो काम बंद, ऊपर से हम यहाँ पे बंद। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कसौटी जिंदगी के छोड़कर बिग बॉस में आकर रहूंगा। हाय गाइस। बहुत खूबसूरत लग रही हो। किस्मत देखो हमारी, कल ये 6 घंटे पार्लर से होके आए हैं और आज ही घर में बंद कर दिया। 6 घंटे पार्लर में क्या फिर भी लगे तो ना के नहीं लगे। जिनकी TRP ज्यादा होती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते जी। हाय दिव्यंका। हाय। आपको यहाँ बंद कर दिया, आप तो सीनियर हैं। वैसे जहाँ तक मुझे पता है सीनियर सिटीजंस को तो पहले बंद करो। मेरा सोचो, अभी बिग बॉस के घर से निकला और अब घर में बंद हूँ। एक मिनट सिद्धार्थ भाई, आपके लिए बिग बॉस कौन सी सजा थी? आपको तो चक्कर चल रहा था अंदर, आपने फुल एंजॉय किया वहाँ पे। अरे यार हमारा दुख भी कोई समझेगा? अगर हम घर में रहेंगे तो फिर पड़ोस वाली भाभी जी को कैसे देखेंगे? अरे अपनी बीवी को पड़ोसी की नजर से देखो, अच्छी लगेगी। आप अपनी चोंच बंद रखिए यार। हाँ भाई, कहाँ है जनता, कहाँ है माइक, कहाँ है कवि सम्मेलन? कवि सम्मेलन का कह के लाया मुझे यहाँ पे, लेकिन ये कहाँ लाके बंद कर दिया? हेलो फ्रेंड्स, बिग ट्रबल से फाइट करने के लिए बिग बॉस के घर पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सबको घर पे इसलिए बंद रखा है क्योंकि बाहर कोरोना फैला है। सो जब तक है कोरोना, घर पे रहो ना। बिल्कुल सही सर, सही कह रहे हैं आप। यार जैसे गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल में यूं होता था ना, लू चल रही है कोई घर के बाहर नहीं जाएगा, वैसे ही यार बाहर कोरोना चल रहा है, कोई बाहर नहीं जाएगा, घर में रहेगा 24 घंटे। हमें कितने दिन और घर रहना होगा? कुछ कह नहीं सकते सर। अगर हम दोनों 10 दिन में पार्लर नहीं जाती तो सच में नागिन लगने लगती है। आपका तो फिर भी सही है, लेकिन कुछ भाभियां तो भाई साहब लगने लग जाएंगी। बात तो ऐसे। एक मिनट सर, आप एक काम कर सकते हो, आप राशन का जो सामान है वो कम करवा दीजिए, लेकिन मेकअप का सामान पूरा दिलवा दीजिएगा प्लीज। मेकअप भूल के अपना माइंड मेकअप कर लो सबको और घर के काम शुरू कर दो, इसे अपना ही घर समझो। और खुद को काम वाली भाई। विक्रम जी, जी आपके बाजू में झाड़ू पड़ा है, आराम करिए। सर झाड़ू नहीं लगेगा मुझसे, ये काम प्लीज कोई और कर लीजिए, ये प्लीज आप कर लीजिए। यू ट्राई। हमने काम नहीं लगाएंगे झाड़ू। अरे मैं नहीं लगा रही झाड़ू झूड़ू, मेरा काम नहीं है झाड़ू झूड़ू लगाना, आप लगाओ। मैं कभी कलम उठाऊंगा, झाड़ू कैसे उठाऊंगा? मेरा काम समाज की गंदगी साफ करना है, आंगन साफ करना है। ना, ना, तुम लगाओ झाड़ू। यू ट्राई। अरे मैं झाड़ू नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना। मैंने आप लगाई झाड़ू, क्यों करी मुझे? मैं घर पे क्या कम काम करती हूँ, यहाँ पे झाड़ू मारू? ये लो। नो चांस, ये सब मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। करना तो पड़ेगा, खुद करो साफ सफाई क्योंकि लंबी छुट्टी पे है। बाय। क्या बात है, मतलब यार बिग बॉस खुद उतरा है मैदान में तो हमारा भी तो बनता है ना। किसी को पोछा लगाते हुए देखा नहीं है क्या? से ज्यादा फ्लेक्सिबल पोछा लगाने वाली होती है। अरे सबसे बड़े राज की बात तो मुझे पता चली है, झाड़ू लगाते वक्त आदमी आगे बढ़ता है और पोछा लगाते वक्त पीछे। बच्चे से ट्रायल के बाद गोल रोटी बनी है, फिर मत कहना कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती। आपका बर्ताव बहुत अच्छा था, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बिग बॉस चाहते हैं कि आप कुछ दिन और इस घर में बंद रहेंगे। क्योंकि इस कोरोना की तो ना कोई हद है ना सर हद, इसलिए हमें अपनी अपनी हत्या करनी है और हमारी हद है हमारा अपना घर। नहीं पार करेंगे अपनी लक्ष्मण रेखा। मौका है नए हुनर सीखने का, मौका है अपनी ही जिंदगी को वक्त देने का, अपने घरों में रहकर दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ने का। ये जंग जमीन की नहीं है, पावर की नहीं है, पूरी मानवता की है। आइए इस विपदा को एक मौका बनाएं और अपनी इस खूबसूरत सी धरती को बचाने के लिए अपना फर्ज निभाएं। प्लीज मेरे सारे पैसे उनको दे देना जिनको जरूरत है। मदद का हाथ
आगे बढ़ाएंगे। आओ इस विपदा को मौका बनाएं, अपनी इस छोटी सी दुनिया में रहकर मानवता को बचाएं। ये समय है थोड़े से ठहराव का, बदलाव का, और इस बार हमें अंदर से बदलना होगा। बी द चेंज विद इन।